वहीं गोहाना पहुंचे राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने मीनाक्षी लेखी के किसानों को मवाली कहने वाले बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मीनाक्षी लेखी ने किसानों को मवाली नहीं, धरने पर बैठे लोगों को मवाली कहा है। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने मीनाक्षी लेखी के बयान पर सफाई देते हुए कहा कि मीनाक्षी लेखी ने यह कहा था कि जो किसान थे वो वापस जा चुके हैं और जो धरने पर बैठे हैं वो नशेड़ी और मवाली हैं। इस दौरान उन्होंने पंजाब में सीएम कैप्टन और नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के मनमुटाव पर भी चुटकी ली। किसी प्रदेश में सरकार चलाने के लिए सीएम और प्रदेश अध्यक्ष में तालमेल होना चाहिए ताकि सरकार और पार्टी सही चल सके। नहीं, हरियाणा ये कांग्रेस का अपना विषय है, वो किस प्रदेश में किसको अपना अध्यक्ष बनाती है। हरियाणा में इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला, वो पंजाब में वो जाने अभी ना हो, जबकि प्रदेश के अंदर जहां पर सरकार होती है किसी पार्टी की, तो वहां पर मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष का आपस का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है ताकि सरकार भी ठीक चले, पार्टी भी ठीक चले। और ये सबको पता है कि वहां पर मंच के ऊपर नवजोत सिंह सिद्धू ने सबके पैरों को छुआ, लेकिन कैप्टन अमरिंदर की तरफ मुंह भी नहीं किया, ना कैप्टन अमरिंदर ने भी उसको कोई भाव दिया। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कहाँ कहाँ इसका कल्याण होगा। मीनाक्षी लेखी जी ने कहा कि जो यहाँ पर बैठे हैं वो मवाली हैं, किसान मवाली नहीं है, किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं। ये किसान का आंदोलन नहीं था, ये कांग्रेस का आंदोलन था। अब किसान तो वापस जा चुके हैं, मीनाक्षी लेखी जी का यही कहना है कि जो वहाँ पर बैठे हैं वो नशेड़ी और मवाली किस्म के लोग बैठे हैं जिनको घर पर कोई काम नहीं है। इसलिए आंदोलन ये ना कोई किसानों का है, ना अब ये कांग्रेस के जिम्मे रहा है। कांग्रेस भी इसमें एक तरफ हट चुकी है, लेकिन जिन लोगों को सह दी थी, ये होता है अगर आप जिन को पाड़ोगे तो जिन अंतिम में आपको ही खाएगा, तो आज वो जिन जो कांग्रेस ने पाड़ा, विपक्षी लोगों ने पाड़ा, वो उन्हीं को भक्षण करने के लिए अंदर।